हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ्लॉग अदब में खैर मकदम है, खुश आमदीद है। मैं तौफीक अंसारी आपकी खिदमत में वेस्ट बंगाल टेट 2022 डेट ऑफ एग्ज़ाम 11 दिसंबर 2022 सब्जेक्ट EBS मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कम वक्त में मुकम्मल तैयारी ये पार्ट 4 लेकर हाजिर हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं, लेट स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी लेयर्स डज एटमॉस्फेयर हैज। एटमॉस्फेयर में कितने लेयर होते हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ये रहे, 5 सेकंड का वक्त दिया जाना, जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 5 लेयर होते हैं। ऐसे तो 6 लेयर हैं लेकिन 5 लेयर आमतौर पे होते हैं। पहला है आपका ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद है मेजोस्फेयर, उसके बाद है आयनोस्फेयर और आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर, उसके बाद है 5वां नंबर है एक्सोस्फेयर और 6ठा जो होता है वो है मैग्नेट्सफेयर। तो 6 होते हैं लेकिन अगर 6 ऑप्शन में है तो 6 मारना है, लेकिन अगर 6 ऑप्शन में नहीं रहे, 5 रहे तो 5 मारना है आपको। हाउ मेनी लेयर्स डज एटमोसफेयर हैज़, तो 5 लेयर्स, 5 लेयर्स हैज़ एट इन एटमोसफेयर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एटमोसफेरिक प्रेशर। एटमोसफेरिक प्रेशर का यूनिट क्या है। एटमोसफेरिक प्रेशर की यूनिट क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, बार। बार इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्री। इनमें से कौन सी प्लांट जो है एक एग्जाम्पल, एक मिसाल है ट्री की, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, बनियन ट्री जो है ये आपके एग्जाम्पल है ट्री के। क्वेश्चन नंबर 4 है, फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बाय ऑल ग्रीन प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लोव एंड सैफ्रॉन। क्लोव मतलब होता है लॉन्ग और सैफ्रॉन क्या होता है ज़ाफ़रान, आर ऑब्टेंड हासिल किया जाता है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के किस पौधे से। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, फ्लावर से। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच गैस इज ऑब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7 है, द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज। प्रोटीन की सबसे अच्छी जगह क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैरियर ऑफ डेंगू डिसीज इज, माने डेंगू जो है बीमारी, डेंगू नामी बीमारी हो किस मच्छर के काटने से होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, एडेस मॉस्किटो के जरिए होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग द गार्डन कल्टीवेशन इज स्टडीड। गार्डन कल्टीवेशन के बारे में कौन सी, किसके जरिए पढ़ाई होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, हॉर्टिकल्चर। गार्डन कल्टीवेशन के बारे में जो हम पढ़ाई करते हैं उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉइल्स कवर्स द मैक्सिमम एरिया इन इंडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, एलुवियल सॉइल। क्वेश्चन नंबर 11 है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस एग्रीकल्चर इन इंडिया इज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, रेनफॉल।
क्वेश्चन नंबर 12 है, बॉड बीओडी बॉड इज एन इंडिकेटर ऑफ, बॉड का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इज एन इंडिकेटर ऑफ, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, लेवल ऑफ रिवर पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, मिनीमाता डिजीज वाज कॉज्ड बाय ईटिंग फिश विच हैव हाई लेवल्स ऑफ, इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैक्सिमम ओजोन डिप्लेशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, साउथ पोल। क्वेश्चन नंबर 15 है, द वाटर दैट इज सेफ टू ड्रिंक इज कॉल्ड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर के जरिए पोर्टेबल वाटर जो है, द वाटर दैट इज सेफ, वो पानी जो सेफ किया जाता है टू ड्रिंक पीने के लिए, उसको कहते हैं पोर्टेबल वाटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, मैंने गाड़ी के जो हेडलाइट्स इस्तेमाल की जाती है वो कौन सा मिरर होती है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर जो गाड़ी की हेडलाइट्स होती है वो कॉन्केव मिरर होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रावायलेट रेज इज मोर डेंजरस, इनमें से कौन अल्ट्रावायलेट रेज है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यूबीसी, यूबीसी इज मोर डेंजरस। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सा गैस जिम्मेदार है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 19 है, द यूनिट यूज फॉर मेजरिंग नॉइज पॉल्यूशन इज, नॉइज पॉल्यूशन के लिए कौन को मापने के लिए कौन से आले का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, डेसिबल। डेसिबल इज द यूनिट ऑफ साउंड एंड इज इंस्ट्रूमेंट टू नो टू मेजरिंग फॉर मेजरिंग नॉइज पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंटरनेशनल ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, इंटरनेशनल ओजोन डे किस तारीख को मनाया जाता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द गंगा एक्शन प्लान लॉन्च टू इम्प्रूव द, मैंने गंगा एक्शन प्लान जो है लॉन्च किया गया था किस लिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन में, वाटर क्वालिटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ सन एनर्जी, इसका सही जवाब है ऑप्शन में, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए सोर्स एनर्जी। व्हाट इज द सोर्स ऑफ सन एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 23 है, फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई मरतबा कई जगह इम्तहान में पूछे गए हैं, कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का भी एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। अब बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और सीओडी का फुल फॉर्म होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं अक्सर। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेंड फ्रॉम पेट्रोलियम, इनमें से कौन सा जो है प्रोडक्ट है जो पेट्रोलियम से हासिल नहीं किया जाता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कॉल जो है ये कोयला जो पेट्रोलियम से हासिल नहीं किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 25 है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, प्लांट्स। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज प्लांट। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए आज के लिए। और एक बात बता दूँ, इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक EBS के क्वेश्चन EBS की वीडियो बना दी है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा प्लेलिस्ट में जाकर के इंग्लिश के और उर्दू के भी वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए इजाज़त।